बोली नानी सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी, तुमको मैं देती संदेश, कभी ना भूलो अपना देश। बोली नानी सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी, तुमको मैं देती संदेश, कभी ना भूलो अपना देश। अरे वाह, ये चिड़िया तो कितना मधुर गीत गाती है। काश कि ये चिड़िया मेरे पास होती तो मैं भी इस चिड़िया के मधुर गीत सुनती। अरे सैनिको, जल्दी से इस चिड़िया को पकड़कर मेरे पास ले आओ। इतना सुनते ही दोनों सैनिक चिड़िया की तरफ बढ़ते हैं। चिड़िया ने जैसे ही उन दोनों सैनिकों को अपनी ओर आते हुए देखा, वह तुरंत वहां से उड़ जाती है। अरे राजकुमारी जी, चिड़िया तो उड़ गई। लेकिन राजकुमारी जी, चिड़िया का तो कोई पता नहीं है, वो कहाँ चली गई है? आखिर हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तो बस वह चिड़िया चाहिए। यदि मुझे वह चिड़िया नहीं मिली तो मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगी। अच्छा अच्छा, ठीक है राजकुमारी जी, तुम दुखी मत हो, मैं उस चिड़िया को जरूर पकड़वाऊंगा। अरे सैनिकों, जाओ और हमारे राज्य से किसी चिड़ी मार को लेकर आओ। राजा का आदेश होते ही सैनिक तुरंत राज्य में जाते हैं और एक चिड़ी मार को बुलाकर ले आते हैं। बोलिए महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? आपने हमें क्यों बुलाया है? अरे बहलिए, तुम जल्दी जाओ और उस गाना गाने वाली चिड़िया को पकड़ कर लेकर आओ। यदि तुम उस चिड़िया को पकड़ कर ले आओगे तो मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरे दूंगा। इतना सुनकर वह बहेलिया चिड़िया पकड़ने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। शिकारी चलते चलते जल्दी ही घने जंगल में पहुंच जाता है। बोली नानी सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी, तुमको मैं देती संदेश, कभी ना भूलो अपना देश। अरे वाह, इतने मीठे स्वर में कौन गा रहा है? लेकिन आसपास तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है, कहीं ये गाना वो चिड़िया ही तो नहीं गा रही है जिसकी बात महाराज ने कही थी? हाँ हाँ, मुझे तो लगता है ये वही चिड़िया है, चलो चलकर देखता हूँ। इतना सोचकर शिकारी उधर को ही चल पड़ता है जिधर से वह आवाज आ रही थी। अरे वाह वाह, चिड़िया तो मिल गई, चलो जल्दी से अपना जाल बिछा देता हूँ। फिर शिकारी जल्दी से अपना जाल पेड़ के नीचे बिछा देता है और उसमें दाने डाल देता है। मैंने जाल तो बिछा दिया है, चलो अब यहाँ से दूर चलकर छिप जाता हूँ। अरे पेड़ के नीचे तो कितने सारे दाने बिखरे हुए पड़े हैं, चलो जल्दी से कुछ दाने चुग लेती हूँ। अरे वाह, चिड़िया तो फंस गई, चलो जल्दी से इसे पकड़ लेता हूँ। इतना सोचकर शिकारी जैसे ही जाल के पास पहुंचता है तभी वह चिड़िया उस जाल से निकलकर उड़ जाती है। अरे रे रे, ये क्या हुआ, ये चिड़िया जाल से कैसे निकल गई है? जबकि ये चिड़िया जाल में तो अच्छी तरह फंसी हुई थी, कहीं ये चिड़िया कोई भूत तो नहीं है? चलो मैं वापस लौट जाता हूँ। लेकिन तुम उस चिड़िया को क्यों नहीं पकड़ सकते? महाराज, वो कोई साधारण चिड़िया नहीं है, मुझे तो लगता है महाराज वो चिड़िया जरूर कोई भूत है, क्योंकि आज तक मेरे जाल में फंसी कोई भी चिड़िया बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन ये चिड़िया तो मेरे जाल से फंसकर फिर भी निकल गई। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस चिड़िया को नहीं पकड़ सकता। इतना बोलकर वह बहेलिया वहां से चला जाता है। क्या इस पहेली की बात सच है? मुझे खुद चलकर देखना चाहिए।
अगले ही दिन सुबह ही राजा एक पिंजरा लेता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। राजा चलते चलते जल्दी ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वह चिड़िया रहती थी। बोली नानी, सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी, तुमको मैं देती संदेश, कभी ना भूलो अपना देश। अरे वाह, ये चिड़िया तो सच में कितना मीठा गाती है। मैं ऐसा करता हूँ, यही पेड़ के नीचे दाना डालकर पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता हूँ। चिड़िया जैसे ही नीचे उतरेगी तो मैं उसे पीछे से पकड़ लूंगा। इतना सोचकर राजा पेड़ के नीचे कुछ दाने डाल देता है और पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। अरे, पेड़ के नीचे तो कितने सारे दाने बिखरे हुए पड़े हैं, चलो जल्दी से कुछ दाने चुग लेती हूँ। इतना सोचकर चिड़िया दाने चुनने के लिए नीचे उतरती है। तभी राजा मौका देखकर पीछे से उस चिड़िया के ऊपर झपटता है और झट से उस चिड़िया को दबोच लेता है। अरे छोड़ दो मुझे, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? राजा तुरंत उस चिड़िया को पिंजरे में बंद कर लेता है और वहां से निकल पड़ता है। महाराज, आप मुझे बंदी बनाकर नहीं रख सकते। आखिर मैं तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं रख सकता? चिड़िया, तू हमारे साथ बहुत खुश रहेगी, तुझे रोज रोज अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिला करेंगे। नहीं राजन, मैं किसी के साथ बंधक बनकर नहीं रह सकती, पर हाँ एक शर्त पर रह सकती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है, मैं तुम्हारी प्रत्येक शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी शर्त यही है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी, तुम्हें मेरी कहानी चुपचाप सुननी होगी। यदि तुमने मेरी कहानी पर कोई भी तर्क किया तो मैं तुम्हारे पिंजरे से गायब होकर उठ जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, सुनाओ अपनी कहानी। तो फिर ठीक है राजन, सुनो मेरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसने एक कुत्ता पाल रखा था, वह कुत्ता शिकारी का बहुत वफादार था। हे भगवान, मुझे जंगल में घूमते घूमते सुबह से दोपहर हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुझे कोई शिकार नहीं मिला है। अब मेरे हिसाब से मुझे घर वापस चलना चाहिए। अरे कोई है, मेरी मदद करो, मैं इस जंगल में फंस गया हूँ। अरे ये किसकी आवाज है, मुझे लगता है कोई मुसीबत में है, चलो चलकर देखता हूँ। इतना सोचकर शिकारी आगे बढ़ता है तो देखता है जंगल के बीच एक बैलगाड़ी खड़ी है जिसका एक पहिया निकलकर जमीन पर पड़ा हुआ है और उस गाड़ी के अंदर ढेर सारा खजाना भरा हुआ है। अरे इस बैलगाड़ी को क्या हुआ, चलो उनके पास चलकर पूछता हूँ। अरे सेठ जी क्या बात है, आपकी बैलगाड़ी को क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ भाई, पता नहीं कैसे मेरी बैलगाड़ी का एक पहिया निकलकर जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से मैं इस जंगल को पार ही नहीं कर पाया। अब तो जल्दी से शाम भी होने वाली है, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, बोलिए आपको मेरी क्या सहायता चाहिए। अरे भाई, मैं किसी गाड़ी ठीक करने वाले को गांव से बुला कर लाता हूँ, तब तक के लिए क्या आप मेरी बैलगाड़ी की देखरेख कर सकते हैं? हाँ हाँ सेठ जी क्यों नहीं, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपकी बैलगाड़ी की देखरेख की जिम्मेदारी लेता हूँ। इतना सुनते ही सेठ वहाँ से चला जाता है। शिकारी को बैठे बैठे वहां पर काफी समय गुजर जाता है, अब तो धीरे धीरे रात भी हो गई थी। हे भगवान, सेठ को तो गए हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन वो अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? अब तक तो मुझे घर में होना चाहिए था, मेरी माँ को तो रात में दिखाई भी नहीं देता, तो फिर वो खाना कैसे बना पाएगी? मैं ऐसा करता हूँ, अपने कुत्ते को यहीं पर पहरेदारी के लिए रख देता हूँ और मैं जल्दी से खाना बनाकर वापस आ जाऊंगा। अरे शेरू, मैं घर जा रहा हूँ खाना लाने के लिए,
तुम यहीं पर रुकना और अच्छे से गाड़ी की देखरेख करना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। इतना बोलकर शिकारी वहां से अपने घर को चला जाता है और वह कुत्ता गाड़ी की देखरेख करने लगता है। कुछ देर में ही वह सेठ भी वापस आ जाता है तो देखता है कि शिकारी वहां से जा चुका है। यह देखकर उसे शिकारी के ऊपर बहुत क्रोध आया। तभी उसकी नजर उस शिकारी के कुत्ते पर पड़ती है। अरे वाह, तो इसका मतलब ये कुत्ता ही तब से मेरी बैलगाड़ी की रखवाली कर रहा था। वाकई कुत्ता कितना वफादार है। अरे तुम तो कितने बहादुर और वफादार हो। तुमने मेरे गाड़ी की अकेले ही देखरेख करी है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ये लो, मैं तुम्हें 5 सोने की मोहरे देता हूँ। अब तुम इन मोहरों को लेकर यहाँ से जा सकते हो। कुत्ता तुरंत ही उन सोने की मोहरों को अपने मुंह में रखता है और जल्दी ही अपने मालिक के पास पहुँच जाता है। अरे शेरू, तू बैलगाड़ी छोड़कर यहाँ क्यों आ गया? मैंने तुझे तो बैलगाड़ी की देखरेख करने के लिए वहाँ छोड़ा था। ये देखकर शिकारी को कुत्ते के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि कुत्ता गाड़ी से वह मोहरे चुरा कर लाया है। अरे दोस्त, मैंने तुझे वहाँ रखवाली के लिए रखा था और तू ये मोहरे चुरा कर ले आया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर शिकारी एक डंडा उठाता है और कुत्ते के सिर पर मारता है, जिसकी वजह से कुत्ता वहीं पर गिर कर मर जाता है। चलो मैं जल्दी से इन मोहरों को उठा कर ले चलता हूँ और इन्हें सेठ को सौंप देता हूँ। इतना सोचकर शिकारी जल्दी से उन सारी मोहरों को उठाता है और जल्दी ही सेठ के पास पहुँच जाता है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ से घर खाना लाने के लिए चला गया था। इतने में ही मेरे कुत्ते ने आपके 5 सोने की मोहरे को चुरा लिया और इन्हें लेकर यहाँ से भाग गया। मैं आपके मोहरे आपको लौटाने आया हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपका वो कुत्ता कोई चोर नहीं है, वो तो बहुत वफादार और बहादुर है। वो तो मेरी गाड़ी की देखभाल बिल्कुल अच्छी तरह कर रहा था और ये 5 मोहर मैंने उसे खुद ही दी थी। सेठ के मुंह से यह बात सुनते ही शिकारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या पाप कर दिया? मैंने अपने ही वफादार को मार दिया। शेरू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तो सुना महाराज उस वफादार की कहानी? हाँ, मैंने तुम्हारी कहानी बड़े ध्यान से सुनी है, लेकिन शिकारी को कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था। अरे महाराज, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरे साथ तोड़ दी। आपने मेरी कहानी पर तर्क किया, इसलिए मैं तो चली। इतना बोलकर वह चिड़िया पिंजरे से निकलकर उड़ जाती है। राजा फिर से उस चिड़िया का पीछा करता है और वहीं पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। हे चिड़िया, तुम मुझ पर तरस खा। तू मेरे साथ मेरे महल चल, मेरी परेशानी समझ। वहां पर तुझे कोई भी समस्या नहीं होगी। मुझे एक मौका और दे दो। ठीक है महाराज, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। यदि इस बार तुम मुझे नहीं ले जा सके तो मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊँगी। इतना बोलकर चिड़िया फिर से राजा के पिंजरे के अंदर आ जाती है। चलो राजन, मुझे अपने साथ ले चलो। इस बार मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ, लेकिन मेरी शर्त वही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, इस बार तो शर्त मैं ही जीतूंगा। महाराज, मेरी दूसरी कहानी सुनो। बहुत समय पहले की बात है, रत्नगढ़ नामक राज्य में घोर सूखा पड़ा था। तो धीरे धीरे गांव के सारे लोग गांव छोड़कर शहर को चले गए थे, सिवाय एक व्यक्ति के जिसका नाम श्यामू था। हे भगवान, धीरे धीरे गांव के सारे लोग गांव छोड़कर चले गए, बस एक मैं ही बचा हूँ यहाँ। अब तो इस तालाब का भी पानी लगभग खत्म ही हो गया है। यदि पानी नहीं मिलेगा तो मैं जीवित कैसे रह पाऊंगा? मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह ही मैं ये गांव छोड़कर कहीं दूसरे शहर चला जाऊंगा। यदि जीवित रहूंगा तो कहीं भी कमा कर खा लूंगा। यदि प्राण ही नहीं रहेंगी तो गांव में रहने का क्या फायदा?
अगली सुबह ही श्यामू अपने लिए कुछ पोटली में खाना बांधता है और शहर की तरफ निकल पड़ता है। श्यामू चलते चलते काफी ज्यादा थक चुका था और उसे बहुत जोर की प्यास भी लगी थी। हे भगवान, इतनी कड़कती धूप में पैदल चलना कितना मुश्किल है और ऊपर से इतनी जोर की प्यास भी लगी है। क्या करूं, पानी कहाँ से लाऊं? मुझे तो लगता है मैं इस प्यास के कारण तो बाद में मरूंगा, उससे पहले इस कड़कती धूप और थकान से ही मर जाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर पानी की तलाश करूँगा। इतना सोचकर श्यामू पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पेड़ की छांव में बैठते ही उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तभी उसके पैर पर कुछ पानी की बूंदें गिरती हैं। अरे ये क्या, पेड़ के ऊपर से तो पानी की बूंदें गिर रही है। चलो मैं जल्दी से इन बूंदों को एक बर्तन में एकत्रित कर लेता हूँ। श्यामू जल्दी से अपने आसपास देखता है तो उसे एक घड़े का टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है। तो वह उस टुकड़े को हाथ में पकड़कर वहीं पर खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे वह टुकड़ा पानी से भर जाता है। पानी तो भर गया है, चलो मैं जल्दी से इसे पी लेता हूँ। तभी एक कौवा श्यामू के पानी पर झपटता है और सारा पानी जमीन पर गिरा देता है। अरे दुष्ट कौवे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरा सारा पानी गिरा दिया। इतना बोलकर श्यामू उस कौवे के पीछे दौड़ पड़ता है। वह दौड़ते दौड़ते काफी दूर निकल जाता है। आज तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, रुक तुझे मजा चखाता हूँ। श्यामू वहीं पर पड़े एक पत्थर को उठाता है और कौवे को फेंक कर मारता है। पत्थर लगते ही कौवा नीचे गिरता है और मर जाता है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक नदी है, इस कौवे को तो मैंने बेकार में ही मार दिया, इसकी वजह से तो मुझे ये नदी मिली है। खैर पानी तो मुझे उस पेड़ के पास भी मिल रहा था, लेकिन इस दुष्ट कौवे ने मेरा सारा पानी गिरा दिया था। चलो मैं जल्दी से थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। इतना सोचकर श्यामू जल्दी से पानी पी लेता है। आह, अब मेरी आत्मा को शांति मिली। चलो अब जल्दी से अपनी खाने की पोटली को चलकर उठाता हूँ। फिर श्यामू जल्दी ही उस पेड़ के पास पहुँच जाता है। अरे वो पानी तो अभी भी टपक रहा है, लेकिन इस पेड़ पर पानी आ कहाँ से रहा है? श्यामू जैसे ही अपना सिर उठाकर पेड़ की तरफ देखता है तो पेड़ की डाल पर एक सर्प मरा हुआ लटक रहा था, जिसके मुंह से वह विष की बूंदें टपक रही थीं, जिसे श्यामू पानी समझकर पीने जा रहा था। अरे राम 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 राम, ये मैंने क्या कर दिया? मैं जिसे पानी समझकर पीने जा रहा था वो तो एक जहरीली सर्प का विष था। उस कौवे ने तो मेरे प्राण बचाए थे और मैंने बदले में उसे मौत दे दी। मुझे माफ कर दो कौवे भाई, मुझे माफ कर दो। तो सुना राजा, उस कौवे ने उसके साथ कितनी वफा की, फिर भी उस इंसान ने उसे मार दिया। हाँ हाँ चिड़िया बहन, आप एकदम ठीक कहती हैं। उस दुष्ट श्यामू को तो एक बार ये सोचना ही चाहिए था कि आखिर पेड़ पर पानी कहाँ से आ रहा है। महाराज आप फिर से अपनी शर्त को हार चुके हैं, आपने फिर से मेरी कहानी पर तर्क किया, इसलिए मैं तो चली। इतना कहकर वह चिड़िया फिर से पिंजरे से गायब होकर उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है। तो राजा फिर से उस पेड़ के पास वापस जाता है और अपनी सारी कहानी उस चिड़िया को सुना देता है। हे चिड़िया बहन, यदि आप मेरे साथ नहीं चलेंगी तो मेरी पुत्री बिना कुछ खाए पिए ही अपने प्राण त्याग देगी। महाराज आप दुखी मत होइए, आप इस पेड़ की एक पत्ती को ले जाकर अपने बेटे को खिला दीजिए, तो आपकी बेटी कोई भी जिद नहीं करेगी और वह ठीक हो जाएगी।
इतना कहकर वह चिड़िया उस पेड़ की एक पत्ती तोड़कर नीचे डाल देती है। राजा जल्दी से उस पत्ती को उठाकर वहां से चला जाता है। अरे पिताजी, आप उस चिड़िया को लेकर नहीं आए। बेटी, उस चिड़िया ने तुम्हारे लिए एक पत्ती भेजी है और कहा है जब राजकुमारी इस पत्ती को खा लेगी तभी मैं वहाँ पर आऊंगी। इतना सुनते ही राजकुमारी वह पत्ती खा लेती है। उस दिन से राजकुमारी उस चिड़िया के बारे में सब कुछ भूल जाती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।